अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी एपीके नीचेस पे डिटेल वीडियो है जिस पे हमने रिसर्च करना है कैसे हम एपीके नीच रिसर्च कर सकते हैं और डिफरेंट एपीके की नीचेस फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका कंपटीशन भी लो होगा, जिनको इजीली हम गूगल में रैंक कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस पूरी वीडियो को आप वॉच कीजिएगा। इसमें आपको मैं कंप्लीट एक स्टडी भी शेयर करूंगा, एक ऐसी आपके साथ वेबसाइट शेयर करूंगा जिसमें जीरो बैकलिंक्स हैं और अच्छी खासी वो ट्रैफिक गेन कर रहे हैं और मंथली 500 से ज़्यादा डॉलर अर्निंग कर रहे हैं। एपीके नीचेस पे लोग डिफरेंट कोर्सेज भी करते हैं कि कैसे एपीके नीचेस फाइंड आउट की जाती हैं, कैसे उन पे वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे उनकी एसईओ की जाती है, उनके आर्टिकल राइटिंग की जाती है। तो आज बेसिकली आपको मैं डिटेल कोर्स बता रहा हूँ काइंड ऑफ, जिसमें हम कंप्लीटली ये देखेंगे किस तरह हम गूगल प्ले स्टोर से हम डिफरेंट एप्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उन पे वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे हम डिफरेंट टूल्स यूज करके एपीके नीचेस फाइंड आउट करेंगे और उन पे हम वेबसाइट्स बनाएंगे। कंप्लीट कोर्स है काइंड ऑफ, जिसमें हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, किस तरह कॉम्पिटिशन देखते हैं, किस तरह हम टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, किस तरह हम गूगल में सर्च करते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं, ए टू जी चीजें को डिस्कस करते हैं ताकि आपके जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी क्यूरीज हैं, सारी इसमें क्लियर हो जाएं और आप इजीली अपनी एपीके नीच पे वेबसाइट बना सकते हो। जी फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो आज बेसिकली हमने डिटेल में रिव्यू करना है कि हम किस तरह निच रिसर्च कर सकते हैं या निच ब्लॉगिंग पे काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो टारगेट होगा वो एपीकेज नीचेज होंगी। तो आज बेसिकली एपीके नीचेज पे हमने रिसर्च करनी है, बल्कि पीएचडी करनी है कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं कि जिनसे हम एपीकेज नीचेज फाइंड आउट कर सकते हैं और उन पे निच ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना के उन पे काम स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड का एप्लीकेशन जो स्टोर है ऑफिशियल, वहाँ पर जाते हैं, गूगल प्ले का स्टोर। अब यहां पे मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। पहले मैं आपको गूगल प्ले स्टोर के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद हम जो सैमरिश है टूल को यूज करके आपको बताऊंगा किस तरह हम एपीकेज नीचे फाइंड आउट कर सकते हैं जिन पे हम इजीली काम कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आपकी ए टू जी एपीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अगर फॉर एग्जांपल आते हैं प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस में, तो यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस मेरे सामने आ जाती हैं जो कि कैटेगराइज हैं। अगर पॉपुलर में देखा जाए तो ये पॉपुलर एपीके की नीचे हैं, जो एप्लीकेशंस हैं आप पॉपुलर ये हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइक ये मेरे फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो ये लैंग्वेज लेसन है, मेरे सामने आ गई है, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं गूगल में वन मिनट चेक करता हूँ ये क्या चीज़ है। एप्लीकेशन तो है लेकिन ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, लेकिन आप देखें ये डोलिंगो एपीके डाउनलोड है, आई डोंट नो। लेकिन जब मैंने इसको रिसर्च किया गूगल में तो मेरे सामने ये सजेशंस भी आ रही हैं, ओल्ड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन फॉर पीसी, फॉर एंड्रॉयड, अनलिमिटेड हर्ट्ज़। तो इट्स मीन इसका जो ट्रेंड है वो बड़ा हॉट ट्रेंड है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ अगर इस पर कॉम्पिटिशन काम हो। अब कॉम्पिटिशन कैसे चेक करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक यहाँ पर मुझे कोई वेबसाइट इसकी नज़र आई है, दिस वन, ये मुझे एक वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आई है जो कि सेकंड पेज पे है, इसको फर्स्ट पेज पे होना चाहिए लेकिन ये रैंक नहीं है। इसको मैं ओपन करता हूँ, अब मैंने पेज ओपन किया, मेरे सामने लाइक नीचेस आ रही हैं और उनको उनमें मैं बिज़ी हो गया हूँ रिसर्च करते करते। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, लेकिन इसको मैं चेक करता हूँ वैसे कि गूगल में इसका कॉम्पिटिशन, टाइटल कॉम्पिटिशन कितना है। टोटल 166 लोगों ने या वेबसाइट्स ने इसको टाइटल में यूज़ किया, मीन्स कि ये नई वेबसाइट है, नई एप्लीकेशन है, ज़्यादातर लोग इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे या इसको टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है। और नीचे सजेशंस में भी उसका जो है कीवर्ड्स आ रहे हैं, डैट्स मीन मैं इस पे अगर EMD वेबसाइट लेके, EMD डोमेन लेके काम करूँ तो मैं काम कर सकता हूँ। बट इसका थोड़ा सा कॉम्पिटिशन अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पर मैं सैमरिश में आया, यहाँ पर मैंने इस कीवर्ड को पुट किया और मैं इसको चेक करता हूँ क्या मुझे ये रिजल्ट्स देते हैं या इसको कंपटीशन कितना है, थोड़ा सा मुझे आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और इसके जो टोटल वॉल्यूम है वो 1.4 है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्चेज हो रही हैं वो इंडिया में हो रही हैं। तो ये लाइक वेरी वेरी न्यू एप्लीकेशन है, तो डेट्स वाई इसका इतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है 44 इंडिया में है, बाकी कंट्रीज़ में इतनी नहीं है, डेट्स मीन अभी ये न्यू एप्लीकेशन है और इस पर इतना कंपटीशन भी नहीं है। लेकिन इसका मैं जब देख रहा हूँ इसकी यूज़र्स 500 मिलियन, तो इट्स मीन कि इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके होप्सों के सजेशंस में भी आ रहे हैं, तो डैट्स मीन इसका, इस पर हम काम कर सकते हैं। APK डाउनलोड पे भी कर सकते हैं और प्योर फॉर iOS APK अनलिमिटेड या फाइल्स, तो
ये माइक्रो निच वेबसाइट बन सकती है और अच्छी खासी ट्रैफिक हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टूल परफेक्ट वॉल्यूम नहीं बताता। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ, प्रोडक्टिविटी है इसमें, ठीक है, इसमें शेयर फोटोज़ एंड वीडियोज़ आ जाती हैं और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस पे है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्राइटेरिया आपने हमेशा याद रखना है, कोई भी यहाँ से एप्लीकेशन उठाते हैं तो लाजमी देखिएगा कि उसके यूज़र्स मिनिमम 1 मिलियन हों और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकें, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका जो बेसिक होना चाहिए वो 1 मिलियन मिनिमम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस अभी एजुकेशन वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ, ये 1 मिलियन है, तो ये भी एक अच्छी निच है कि 1 मिलियन मिनिमम होने चाहिए APK। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपने काम करना है एप्लीकेशंस पे तो मोस्टली जो कीवर्ड्स होते हैं वो APK डाउनलोड पे होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफरेंट निचेस फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैंने क्या करना है, मैंने अगर गेमिंग पे काम करना है तो मैंने प्ले स्टोर कैटेगरीज गेम्स, लाइक गेमिंग कैटेगरी, यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ और मैं ये सामने तमाम गेमिंग की कैटेगरीज आ जाएंगी प्ले स्टोर की। अब यहाँ से मैं रिसर्च कर सकता हूँ कि कौन कौन सी गेम्स नहीं है, कौन कौन सी स्टाइलाइज्ड गेम्स हैं, स्टाइल्स गेम हैं, सिमुलेशन गेम है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं बेसिकली, ठीक है, मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, तो किस गेम पे मैंने काम करना है, पहली मेरी जो होगी रिक्वायरमेंट होगी, मैं या देखूँगा कि कौन कौन सी टाइप्स की गेम है जिन पे मैं काम कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉसी रोड है, ये मेरे सामने एक्शन गेम है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, 100 मिलियन, डैट्स मीन कि ये एक अच्छी नेचर, तो इस पर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको, मैंने जब गूगल में रिसर्च किया तो मुझे सजेशन में कीवर्ड्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे भी जो है EMD डोमेन कोई ऐसी नहीं आ रही जो उसको डायरेक्टली रैंक करे, डैट्स मीन APK पे अगर हम काम करें तो EMD डोमेन लेके हम इसको रैंक कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने इसको फाइनल करना है, उस चीज़ के लिए मैंने गूगल ट्रेंड को भी यूज़ करना है, ताकि मुझे क्लियर हो कि वाकई लोग इस पर सर्च कर रहे हैं या इस पर ट्रेंड है किसी कंट्री में, ये ना हो मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूँ और इसका ट्रेंड ही ना हो। यहाँ से पाकिस्तान को क्लोज करके मैं वर्ल्ड वाइड करूँगा और यहाँ से वन डे की बजाय 30 डेज़ के करूँगा और यहाँ पे साथ में डाउनलोड के अलावा APK भी सर्च करूँगा। अब यहाँ पे डाउनलोड के सर्चेज नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन APK पे आ रहे हैं, ठीक है, क्रॉस रोड APK। अब यहाँ पे क्रॉस रोड मोड APK, तो ये दो कीवर्ड्स हैं जिन पे सर्चेस हो रहे हैं, डाउनलोड पे नहीं हो रहे इतने, डैट्स मीन अगर मैंने काम किया तो मैं क्रॉस रोड APK पे काम कर सकता हूँ, डाउनलोड्स पे अभी सर्चेज नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी साइड जो कंट्री है वो रीजन जो है ये कोई रशियन टाइप सिटी मुझे लग रहा है, तो इसके ये है कि डाउनलोड पे इतने सर्चेज नहीं हैं, लेकिन स्टिल इस पे हम काम कर सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स ऐसे होंगे कि जहाँ से हमें ट्रैफिक मिल सकती है। लेकिन इतनी ट्रैफिक नहीं आ रही क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड है डाउनलोड पे, डाउनलोड पे सर्चेज नहीं है, तो डैट्स मीन हम इस पे काम नहीं करते। लेकिन ये एक बेसिक वे है, अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं है तो आप इस तरह रिसर्चेस कर सकते हो। 10 से 15 एप्लीकेशंस को आपको रिव्यू करोगे, आपको एक कोई एप्लीकेशन अच्छी मिल जाएगी, जिस तरह ये एक ज्योमेट्री डैश है सब ज़ीरो, इसके बहुत ज़्यादा सर्चेस हैं और ये बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग निच है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं, APK डाउनलोड, ठीक है, ज्योमेट्री डैश। अब इस पे 5 डेज अगो किसी ने पोस्ट भी किया है, AN1 वालों ने, ठीक है, और द ज्योमेट्री डैश APK ऑलरेडी एक वेबसाइट रैंक है जो कि इसी को ही डायरेक्टली टारगेट कर रही है। अगर ये टॉप पे आ सकता है तो आप भी आ सकते हो, जो सिंपल सी बात है, क्योंकि नीचे आप देखें ये बड़ी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स आई हुई हैं, प्ले स्टोर आया हुआ है और दूसरी सॉफ्टोनिक जो मेन वेबसाइट है वो आई हुई है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, लेकिन स्टिल इस बंदे ने आउट रैंक की है और ख़ुद को टॉप पे लाया है। कैसे लाया है वो, उसने अपनी स्ट्रेटजी यूज़ की है, SEO की है, जैसे भी की है, वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इसका होम पेज देखें, डिज़ाइन देखें, बहुत अच्छा इसने डिज़ाइन किया और बहुत ही डिटेल्ड जो है इसने वेबसाइट बनाई हुई है और इसको रैंक करवाया हुआ है, तो इसने अपना होम पेज नहीं रैंक किया हुआ, उसने अपनी एक नेक्स्ट पेज बनाया हुआ है जिसको 301 रीडायरेक्ट किया हुआ है इस पेज पे और इस पेज को इसने रैंक करवाया हुआ है। एक अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है, बट इसको हम कॉपी करके यूज़ करेंगे आगे अपनी सैमरिश में। बहरहाल हमारा सैमरिश यहाँ पे क्लोज़ हो गया, इसको हम अगेन चेक करते हैं।
ओपन हो गया हमारे सामने। अब यहाँ से सेमरिश के थ्रू हम किस तरह एपीके निचेस फाइंड आउट कर सकते हैं, तीन मेथड्स आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर वन पे हम एपीके डाउनलोड में यहाँ पे सर्च करूँगा, कीवर्ड ओवरव्यू पे जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाते हैं, कीवर्ड्स वेरिएशंस में मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे कीवर्ड्स ओपन किए, अब यहाँ पर जब मैं ओपन करूँगा, मैं थोड़ा सा स्पीडली आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट वे में बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में ए बी सी बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, एडवांस लेवल की शेयर कर रहा हूँ ताकि आप मेन मेन पॉइंट्स क्लियर हो और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। जब आप कोई भी टूल यूज़ करते हो और वहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डालते हो एपीके डाउनलोड, क्योंकि आपने एपीके डाउनलोड पे काम करना है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएँ, उसके लिए आपके पास होता है KD। KD मीन्स के कम से कम कंपटीशन वाले आपके सामने हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टीज का मतलब होता है, लेकिन आपने कौन से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं ये अपने लिए चुनने हैं, उसके लिए आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। वेरी हार्ड पे नहीं जाना हमने, वेरी इजी पे जाना है। मैं वेरी इजी पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे जो कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा उनके सर्चेस हो रहे हैं और उनका जो कंपटीशन है वेरी इजी, बहुत ही इजी होगा, ठीक है, वो आ जाएंगी। जिस तरह ये फॉक्सी मोड एपीके डाउनलोड, अब ये आ गई, अब ये जितनी कीवर्ड्स हैं या जितनी मेरे पास आ गई, ये सारी नीचेज़ हैं, ये एपीकेज़ हैं, ये एप्लीकेशंस हैं, हमने किसी एक पे काम करना है तो डिपेंड करते हैं हम किसी भी एक पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट है इसके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, हम इसको ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं जब ओपन करता हूँ कि इसमें लाइक कितना वॉल्यूम है और क्या कंपटीशन है, सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। अब मेरे पास इसका वॉल्यूम आ गया, कंपटीशन इसका 14 है, वेरी इजी है, और इसके अलावा इसके सजेशन में कुछ कीवर्ड्स आने चाहिए लेकिन कुछ आ नहीं रहे, ठीक है। और नीचे मेरे पास ये है टॉप 10 का ओवरव्यू है कि इन वेबसाइट्स ने कितने बैकलिंक्स इसके लिए बनाए हुए हैं, इनकी अथॉरिटी कितनी है, पेज स्कोर कितना है, बैकलिंक्स कितने बनाए हुए हैं इस पेज के लिए, इसको टारगेट करने के लिए। तो जहाँ से मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो इतना इसमें मुझे नहीं फील हो रहा कि कंपटीशन तो इसका है ही नहीं, ज़ीरो कंपटीशन है, लेकिन फोर्थ नंबर पे एक वेबसाइट है जो रैंक है। अब इसी को मैं ओपन करके गूगल में चेक करता हूँ तो मेरे सामने कोई वेबसाइट आ रही है, मेरे पास एक टॉप पे वेबसाइट आ रही है जो वहाँ भी मुझे नज़र आई है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये बंदे ने किस तरह बनाई हुई है, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छी वेबसाइट इसने बनाई हुई है, और टोटल इसके पेजेस में चेक कर लेता हूँ, 13 पेजेस हैं और इस बंदे ने इसको रैंक करवाया हुआ, ठीक है। और अगर मैं इसकी ट्रैफिक यहाँ से ट्रैफिक फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ से सिमिलर वेब से मुझे पता चलेगा कि इसकी 6,000-7,000 ट्रैफिक है, ट्रैफिक इसकी इतनी खास नहीं है लेकिन इस कीवर्ड पे ये रैंक है, ठीक है। और इसी वेबसाइट को अगर मैं ओवरव्यू करता हूँ, यहाँ से कहाँ गई ये वेबसाइट, इसको मैं ओपन करता हूँ सैमरिश में ओपन करता हूँ, मुझे आइडिया होगा कि इसकी कितनी ट्रैफिक है, कितने कीवर्ड्स रैंक हैं, ए टू जी डेटा मेरे सामने आ जाएगा। अब इसकी टोटल जो ट्रैफिक है 31K है, ठीक है, और 14 कीवर्ड्स इसके रैंक हैं और ट्रैफिक कॉस्ट जो है 1.1K, मतलब ये अच्छी ट्रैफिक है, डेट्स मीन हम इस पर काम कर सकते हैं। और इसने बैकलिंक्स आई थिंक बैकलिंक्स इसने कम बनाए हुए हैं, बैकलिंक्स चेक करने के लिए हम बैकलिंक्स एनालिटिक्स में जाते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया होगा कि इसने बैकलिंक्स कितने बनाए हुए हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि हम ऐसी निच पे या इस निच पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बैकलिंक्स इसने कुछ नहीं बनाया हुआ, डेट्स मीन वेरी वेरी ईजी, इसको हम वेरी ईजिली अच्छी सी वेबसाइट बना के आउट रैंक कर सकते हैं क्योंकि इसके बैकलिंक्स तो 4 हैं, 3 रेफरिंग डोमेन है, विच इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। तो ये एक तरह की हलवा वेबसाइट है हमारे लिए, ठीक है, हम इसको आउटरैंक कर सकते हैं और जितनी ट्रैफिक है हम उसको कवर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और ये हमारी एक निच हमें इजीली मिल गई है। तो ये एक सिंपल मेथड है कि जिसके थ्रू आप डिफरेंट निचेस फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें एक और है कि और लो कॉम्पिटिशन निचेस हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटेड टू एपीके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी कीवर्ड की बेस पर जाता हूँ, नीचे देखता हूँ मेरे पास ये एक वेबसाइट आई है APK मोड गेट, ठीक है, इसी तरह APK प्योर, मोस्ट फेमस जो वेबसाइट है वो APK प्योर है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, अब मैंने इसकी हेल्प लेनी है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। अब मैंने बेसिकली इस वेबसाइट को APK प्योर है बेसिकली, इस वेबसाइट को फिल्टर करना है और इसकी बेसिकली मैंने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं,
अब इसके ये बता रहा है कि इसके ऑर्गेनिक सर्चेस ट्रैफिक जो है बहुत ही कम है, तो आई थिंक मैंने रॉन्ग जो है वेबसाइट को कॉपी कर लिया, क्योंकि एपीके प्योर जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसके बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं और उसकी अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा है, और वो ये वाली वेबसाइट है एपीके प्योर। अब एपीके प्योर को मैंने जब ओपन किया तो उसकी अथॉरिटी है 74, इसकी ऑर्गेनिक सर्चेज हैं 575 के। आप आइडिया लगा लें इतनी इसकी ट्रैफिक है। अब मैं इसके कीवर्ड्स पे जाऊंगा, यहाँ नीचे इसके कीवर्ड्स शो हो रहे हैं, ठीक है, मैं कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा ताकि तमाम के तमाम इस वेबसाइट के कीवर्ड्स हैं मेरे सामने आ जाएं। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट ने सारे के सारे एपीके के कीवर्ड्स को रैंक किया हुआ है या टारगेट किया हुआ है। अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स मेरे सामने जो आ गए हैं ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस वेबसाइट ने टारगेट किए हुए हैं। अब मैंने US सेलेक्ट किया हुआ है या मैं इंडिया भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिपेंड करता है आपने किस कंट्री को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया को ही टारगेट करता हूँ। अब मैं इंडिया की लोकेशन लगा के इस वेबसाइट के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर रहा हूँ कि इस वेबसाइट ने इंडिया में कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। प्लस यहाँ पर मैं एक स्पोर्ट लूँगा, स्पोर्ट का नाम है KD, KD इस वजह से कि मुझे वेरी वेरी लो कॉम्पिटिशन के चाहिए कीवर्ड्स, या यहाँ से मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ 30, मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए जो 30 तक हों, क्योंकि 30 तक मैं इजीली आउटरैंक कर सकता हूँ। मेरे पास इतना बजट है बैकलिंक्स का, गेस्ट पोस्टिंग का, ताकि मैं अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स करूँगा, गेस्ट पोस्टिंग करूँगा और उसको रैंक कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए सारे, आईबोमा APK, ठीक है, ये मेरे पास एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से और फिल्टर आपने करना है तो यहाँ पे आप फिल्टर बाय कीवर्ड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ APK, या जस्ट डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करूँगा तो मेरे पास अब वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनमें डाउनलोड का कीवर्ड वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये मेरे लिए और आसानी हो गई है। अब यहाँ देखिए ये APK प्योर डाउनलोड, ये तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का आ गया, ठीक है। नीचे मोमिक्स APK डाउनलोड, ये डाउनलोड का भी कीवर्ड, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। टोटल टोटल वॉल्यूम जो इसका है 18K है, ठीक है, वो ट्रैफिक इसकी अभी 8K है, ये ले रहा है ऑलरेडी। और कीवर्ड जो डिफ़िकल्टी है इसकी कंपटीशन बिल्कुल जीरो है, मतलब 19 नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। जब ग्रीन हो तो इट्स मीन कि आप इजीली इसको रैंक करवा सकते हो। तो ये मेरे पास कितने कीवर्ड्स आ गए ऑर्गेनिक पोजीशंस में जो है 57,337 कीवर्ड्स मेरे सामने आ गए। अब इनको मैं फ़िल्टर करके इनमें से डिफरेंट जो हैं जो इजी टू रैंक कीवर्ड्स हैं उनको फ़िल्टर करूंगा और उनको यूज़ कर सकता हूँ, अपना एक प्लान कर सकता हूँ। तो ये एक जो मैंने टॉप वेबसाइट है उसको निकाला। इसके अलावा और मेथड ये भी है कि APKs पे फॉर एग्जांपल मैं ये रेडिट की वेबसाइट है इसको भी कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करके रेडिट से मैं काफ़ी कीवर्ड्स निकाल सकता हूँ, ऐसे कीवर्ड्स जो कि APK प्योर पे लाइक APKs पे रैंक हैं, क्योंकि रेडिट काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स पे रैंक है, सॉरी ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक है जो कि APKs से रिलेटेड हैं। अब इसको किस तरह स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, मैंने रेडिट को मैंने अप्लाई किया, मेरे सामने आ गया रेडिट का डेटा, रेडिट का डेटा इंडिया की पोजीशन लोकेशन पे आ गया, और बाकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30 तक वही है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए जो जिन कीवर्ड्स को रेडिट की बेस पे रैंक किया गया, रेडिट ने रैंक किया हुआ है, मीन्स के ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जो कि टॉप लाइक टॉप 10 पे हैं, ठीक है। मतलब अभी जो भी कीवर्ड्स मेरे पास आएंगे रेडिट टॉप 10 पे कहीं ना कहीं रैंक है, तो इट्स मीन रेडिट अगर रैंक है तो रेडिट विदाउट बैकलिंक्स रैंक हो जाता है, तो हम भी उसको थोड़े से बैकलिंक्स बना के थोड़ी सी उसकी अथॉरिटी बना के उसको इजीली रैंक कर सकते हैं। अब मेरे पास ये डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए हैं। अब यहाँ पे APK से रिलेटेड कोई कीवर्ड मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि ये डायरेक्ट डाउनलोड्स हैं, और यहाँ से थोड़ा सा मुझे प्ले करना पड़ेगा, और वो ये है कि APK डाउनलोड लिखना पड़ेगा, APK डाउनलोड, और अब मैंने सर्च करना है। अब मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं ऐसे कीवर्ड्स जिनको हम कह सकते हैं कि APK डाउनलोड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और ये है कि हमें इंडिया की लाइक KD को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कम आ रहा था, अभी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ से वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा ताकि हाई वॉल्यूम की एप्लीकेशंस या कीवर्ड्स मेरे सामने आ जाएं। अब मेरे पास हाई वॉल्यूम के कीवर्ड्स आ गए हैं लेकिन स्टिल मुझे कोई सूट नहीं कर रहा है ऐसा कीवर्ड जिनको मैं फाइंड आउट कर सकूँ। अब यहाँ से पोजीशन 10 है, इसको मैं कर देता हूँ 20, और अब सर्च करता हूँ मैं।
आपने वो तमाम की तमाम वेबसाइट्स देखनी है जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक APKs पे आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने पहले APK डाउनलोड आप करते हो तो APK प्योर आती है, तो इसमें से आपकी वर्ड्स अच्छे अच्छे निकाल सकती हो APKs के। फिर उसके बाद APK .net थी, ये .com है, दोनों डिफरेंट हैं, आप इनसे कर सकते हो। उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्ले स्टोर है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। रेडिट से भी आपको आइडिया मिल जाता है, रेडिट से भी आप काफ़ी कीवर्ड्स निकाल सकते हो। मेरे सामने काफ़ी कीवर्ड्स आ गए हैं, आप इनको थोड़ा सा रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो, कोई ना कीवर्ड होगा जो आपका लाइक सूट करेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये है अब थोप टीवी APK डाउनलोड ओल्ड, अब इसकी जो वॉल्यूम है 1.9K है, लेकिन ये इंडिया में है, ठीक है, मैंने ऊपर इंडिया सेलेक्ट किया, क्या पता US में इसके ज़्यादा हों। अब उसके लिए क्या करना है, अगर आप फील करते हो या आपको फील हो कि ये यार इसका ये अच्छी अच्छी कीवर्ड्स हैं, इसके सर्चेज़ ज़्यादा होंगे, जिस तरह ये फ्लिक्स फॉर यू APK डाउनलोड, अब इसके यहाँ पे सर्चेज 2.9K है, ठीक है, और KD 11 है, लेकिन US में शायद इसके सर्चेज ज़्यादा हों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करके आप कंट्री चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो फिर और डिटेल में इसकी रिसर्च होगी। अब फॉर एग्जांपल रेडिट की जगह मैं प्ले स्टोर को कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया और मैं रिव्यू करता हूँ कि प्ले स्टोर के क्या क्या रिजल्ट्स मुझे शो होते हैं, कि प्ले स्टोर की बेस पे मैं कोई APK की निच फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मेरे सामने आ गया प्ले स्टोर का डेटा, टोटल ट्रैफिक इतनी 4.5K कीवर्ड्स, लेकिन क्या है, मैंने फिल्टर्स यूज़ किए हुए हैं, APK डाउनलोड मैंने लिखा हुआ है, तो मेरे पास उसी की लाइक फ़िल्टर की बेस पे मेरे पास कीवर्ड्स आए हैं। ऐसे कीवर्ड्स जो जिन कीवर्ड्स पे प्ले स्टोर प्ले गूगल जो है गूगल प्ले वो रैंक है, और जहाँ पे ये रैंक हो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा फील होता है, डाउन ही होता है। और यहाँ पे मैंने टॉप 20 पोजीशंस का भी फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, APK डाउनलोड का भी मैंने जो है फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, तमाम फ़िल्टर यहाँ पे मैंने इंडिया का फ़िल्टर यूज़ करके लोकेशन इंडिया मैंने लगाई हुई है। अब मेरे सामने जो ये एप्लीकेशन BGMI APK डाउनलोड, अब ये इसका कंपटीशन क्योंकि ये काफ़ी टफ़ है, क्योंकि काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है ये BGMI, ये पबजी की एक वर्जन है इंडिया का आई थिंक सो। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें इंस्टा प्रो APK डाउनलोड, 26 इसका KD है और 165 इसके सर्चेज़ हैं, और ये इंडिया में है। अब ये मुझे कहाँ से मिला, प्ले स्टोर की फ़िल्टर से, प्ले स्टोर की वेबसाइट को यूज़ करते हुए। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि इस कीवर्ड का मुझे ओवरव्यू मिल जाए, क्या मैं इस पर काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। डिफ़िकल्टी 32 है, बट ये है कि इंडिया में इसके बहुत अच्छे सर्चेज़ हैं, बहुत ही अच्छे सर्चेज़ हैं, और इस पर हम काम कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर हमारी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत स्ट्रॉन्ग हमें मिलेगी। अब यहाँ पे देखें टॉप 10 एनालिसिस करते हैं, टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स का, तो फर्स्ट पोजीशन पे एक ऑफिशियल वेबसाइट है आई थिंक सो, वो रैंक है, जिसके इतने बैकलिंक्स नहीं है, 62 बैकलिंक्स विच इज़ नथिंग, लेकिन उसने 313.2K मतलब 313,000 की ट्रैफिक वो ले रहे हैं, ठीक है, अकेला। सेकंड नंबर पे ये एक और वेबसाइट है जो .in के नाम से है, वो कितनी ट्रैफिक ले रही है, वो 6 लाख ट्रैफिक ले रही है, डबल ले रही है, क्योंकि उसने आई थिंक बैकलिंक्स ज़्यादा बनाए हुए हैं, डेट्स द रीज़न। और इसके अलावा 7 नंबर पे भी एक आ रही है EMD डोमेन, तो मीन्स कि इस पर लाइक कंपटीशन भी है, लेकिन लोग इस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको गूगल करता हूँ और पहले नंबर पे ये वेबसाइट है, दूसरे पे भी ये आई हुई है EMD आई है, फिर तीसरे पे एक नॉर्मल वेबसाइट, फिर चौथे नंबर पे एक और वेबसाइट आई हुई है। इसी तरह नीचे आप देखते रहे तो आप एक ये वेबसाइट है instapro.me, ये भी किसी ने रैंक करवाई हुई है, फिर ये एक और रैंक करवाई हुई है, तो लोग इस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। ये वो नई चीज़ें हैं जो लोगों को पता चल गई। अब यहाँ से मैं एक थोड़ा सा प्ले करता हूँ कि मुझे इसका वॉल्यूम का आइडिया हो। मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्फर जो मैंने आपको पहले भी बताया था कीवर्ड सर्फर यूज़ करें, अब यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, मेरे सामने वॉल्यूम आ गया, CPC इसका 1.31 और 165,000 इसका क्या है वॉल्यूम है, तो आप आइडिया लगाएं इतना वॉल्यूम है और इतनी इसकी सर्चेस हो रही हैं, डेट्स वाई लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये वो नीचे है जो लोगों को पता चल गई है, अब ऐसी हज़ारों नीचेज़ होंगी जो लोगों को पता ही नहीं है, तो आप उनको रिसर्च करो, एनालिसिस करो। ये तो मैंने एक निच फाइंड आउट की और बड़ी मज़े की निच थी, लेकिन इस पर 7-8 बंदे काम कर रहे हैं जो कि टॉप 10 पे रैंक हैं, तो आपने इस निच को छोड़ देना है, तो आप दोबारा से बैक जाएंगे और ऐसी निचेस फाइंड आउट करेंगे जिस पे कंपटीशन कम हो और लोग उस पे काम ना कर रहे हों, ताकि आप उसको फाइंड आउट करो और उस पे जल्दी जल्दी वेबसाइट्स बना के काम करो। टॉप फॉलो APK डाउनलोड, अब इस पे भी कंपटीशन नहीं है,
और इसके भी सर्चेस बहुत अच्छे हैं। टॉप फॉलो को मैं गूगल में एक बार दफ़ा चेक कर लूँ, टॉप फॉलो एपीके डाउनलोड, ये इसके बहुत स्ट्रॉन्ग नीचेज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सर्चेज़ हैं सॉरी, और 90,000 सर्चेज हो रहे हैं इसके, और इस पर भी एक वेबसाइट ये किसी ने बनाई हुई है और बाकी ओवरऑल नहीं है। लेकिन टॉप फॉलो एक ब्रांड है आई थिंक, और उस ब्रांड को लोग रैंक करवा रहे हैं। ब्रांड हैकिंग कह लो आप इसको, कि एक ब्रांड है जिसके सर्चेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लोग उसी पे ही वेबसाइट्स बना रहे हैं, ठीक है, टॉप फॉलो टॉप फॉलो टॉप फॉलो। तो आप ब्रांड हैकिंग भी कर सकते हो कि ब्रांड्स पे ही एक वेबसाइट बना सकते हो और ब्रांड नीचे हो जाएगा, आप ऊपर रैंक कर जाओगे। तो इस तरह भी लोग काम करते हैं, ब्रांड्स को भी करते हैं। काइन मास्टर एपी के बहुत सारी नीचेज़ हैं, आप फिल्टर यूज़ कर लो केडी का, वेरी इजी पे मैं चला जाता हूँ बजाय इसके कि कीवर्ड्स देखने को, अब मेरे सामने और कीवर्ड्स आ जाएंगे जो कि वेरी वेरी इजी हैं। लेकिन ये कंपटीशन फिर वॉल्यूम उनका थोड़ा कम है, तो मैं इजी तक चला जाता हूँ, पॉसिबल तक चला जाता हूँ, ताकि इजी टू पॉसिबल कीवर्ड्स सारे कीवर्ड्स मेरे सामने आ जाएं। कहने का मकसद है ये एक वे है कि आप प्ले स्टोर को भी यूज़ कर सकते हो सेमरश में ऐड करके, ठीक है, ये आपने किसको प्ले स्टोर को भी यूज़ किया, इसके बाद एपीके प्योर वेबसाइट्स जो हैं, जो एपीके की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आपने उनको भी यूज़ किया, जो जिसमें मोस्टली जो है वेबसाइट्स एपीके की रैंक हैं, कीवर्ड्स रैंक हैं, ये वाली वेबसाइट, ठीक है, एपीके प्योर, इसको भी आप यूज़ करोगे, प्ले स्टोर को भी यूज़ करोगे, इसके अलावा कोरा को भी यूज़ कर सकते हो, रेडिट को भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक वे है, और डायरेक्टली भी हमने यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू में जाके हमने एपीके डाउनलोड सर्च किया और वहाँ से भी हमने काफ़ी कीवर्ड्स निकाले। तो डिफरेंट वेज़ हैं, आप डिफरेंट वेज़ को यूज़ करो आप, या फिर डायरेक्टली लाइक चले जाएं यहाँ पे अपना प्ले स्टोर में और यहाँ से अपने मर्ज़ी की कोई एप्लीकेशन अच्छी लगे उसको रिसर्च करो, एनालिसिस करो। जिस तरह अभी हमने 2 मिनट में एक एप्लीकेशन निकाली, ज्योमेट्री डैश एपीके डाउनलोड, अब इस वेबसाइट को रैंक किया हुआ है इन्होंने, इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये किस तरह रैंक है या क्या इसका प्लान इन्होंने किया हुआ है। डोमेन ओवरव्यू में जाते हैं हम, डोमेन ओवरव्यू में जाके अपनी वेबसाइट को अगेन पुट करेंगे कि इस वेबसाइट को ये वेबसाइट रैंक है तो क्यों रैंक है, इसकी अथॉरिटी अच्छी है या क्या इसमें। अब इन्होंने बैकलिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं, 1.9K बैकलिंक्स हैं, ट्रैफिक डोमेन 304 है, लेकिन अथॉरिटी इन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई है क्योंकि इन्होंने बैकलिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं, डेट्स वाई इन्होंने रैंक करवाया हुआ है ख़ुद को। और जिन कीवर्ड्स पे ये रैंक है, ज्योमेट्री डैश एपीके उसका वॉल्यूम भी अच्छा है, और ज्योमेट्री डैश ऑफिशियल जो मेन कीवर्ड है उसका 1 लाख से ज़्यादा सर्चेज हैं और उस पे एक 15 नंबर पे है ये वेबसाइट, तो डेट्स वाई ट्रैफिक ले रही है क्योंकि इन्होंने बैकलिंक्स पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो आप भी बैकलिंक्स पे काम कर सकते हो, अगर आपके पास बैकलिंक सोर्सेज अच्छे हैं, इन्वेस्ट है, तो आप किसी भी कीवर्ड को रैंक करवा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये थी आज की डिटेल लाइक स्टडी कि हम किस तरह एपीकेस की नीचेस की रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, आप किसी भी वेबसाइट को फिल्टर करके वहाँ से अच्छी अच्छी नीचेस फाइंड आउट कर सकते हो। तो होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा, कंसेप्ट समझे बेसिकली कि आपने किस तरह काम करनी है, ठीक है। आप यहाँ से कहीं से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, प्ले स्टोर से निकाल सकते हैं, इसी तरह आप Ahrefs को यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आगे Ahrefs को यूज़ करेंगे, किस तरह हम Ahrefs से डिफरेंट नीचेस फाइंड आउट कर सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने हंड्रेड्स ऑफ नीचेस निकाल सकते हैं विद इन 9 मिनट, जिस तरह हमने अभी निकाली थी आपके सामने 903 कीवर्ड्स हैं जो कि एपीके डाउनलोड पे हैं, जिनका कॉम्पिटिशन भी वेरी ईजी है, मतलब उनका केडी बहुत कम है, आप इनको देख सकते हो। ये बहुत सारी हैं, इंस्टेंडर 16.0 एपीके डाउनलोड, ये भी एक नीच होगी। अब इनका वॉल्यूम ये 4000 बता रहा है, लेकिन इनसे रिलेटेड काफ़ी कीवर्ड्स होंगे जिनको जो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाती हैं, तो आपकी ट्रैफिक अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है। तो आप उन पे फिर इजीली रैंक करो तो और उन पे काम कर सकते हो। और मॉन्स्टर देखें तो बहुत सारी नीचेज हैं मेरे सामने, और इसके अलावा मैं अगर कंट्री चेंज करूँगा, यहाँ से इंडिया को छोड़ के अगर मैं ब्राज़ील जाता हूँ या कोई UAE सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ या किसी भी कंट्री में जाता हूँ, तो वहाँ कुछ और ही वेज़ होंगे, और ही एप्लीकेशंस होंगी, और ही डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हर कंट्री की होती हैं, तो उस हिसाब से मुझे डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री को टारगेट करते हो। मोस्टली लोग इंडोनेशिया को बहुत लो करते हैं क्योंकि इंडोनेशिया के सर्चेज इंडिया के सर्चेज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेट्स वाई लोग उन पर काम करते हैं। अब इंडोनेशिया में मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे सामने इंडोनेशिया के
कीवर्ड्स भी काफ़ी आ गए हैं, और ये आप देख लें 18,000 और 12,000 और इस तरह अप टू सो वन, मतलब काफ़ी बड़े वॉल्यूम की जो है कीवर्ड्स हैं मेरे सामने आ गए हैं। अब इनका मेन मेन जो कीवर्ड होगा उस पर आप रिसर्च करोगे तो उस पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन आपको ईजिली मिल जाएगा। जिस तरह हॉट 51 मोड एपीके डाउनलोड, इस तरह की काफ़ी जो है नीचे से आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड एपीके लाइव बारबर बारबर के से रिलेटेड कोई रिसर्चेज हो रही हैं, तो इस तरह आप डिफरेंट जो है एपीके नीचेज़ फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थी आज की डिटेल में कि हम किस तरह एपीके के नीचेज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे, बहुत यूनिक स्ट्रेटजीज़ के किस किस तरह हम एपीके की नीचेज़ सॉरी डिफरेंट नीचेज़ एपीके पे तो आज हमने काम कर लिया, आगे आने वाली वीडियोज़ में और डिफरेंट मेथड्स हैं जिन पर हम काम करेंगे। तो होप सो आपने इंजॉय किया होगा। फीडबैक लाजमी दिया करें, अगर आप वॉच करते हैं कंप्लीट वॉच किया करें, अंडरस्टैंड किया करें, उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तब भी आप समझोगे। तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच।